आज हम बात करेंगे इस्लामिक वर्ल्ड की। इन दिनों ये शब्द बड़ी चर्चा में है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये शब्द जो है इसके मायने क्या हैं। इसके मायने ये हैं कि दुनिया के वो सारे देश जहां मुस्लिम रूल है उनको कहीं एक जगह पे लाने की कोशिश। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद भारत ने ना अमेरिका के साथ जाने का फैसला किया, ना रसिया के साथ जाने का फैसला किया और एक नन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ भारत गया। लेकिन उसी वक्त पे पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया। अमेरिका के पास उसने बहुत कोशिश की और करीब 1954 के आसपास आकर के अमेरिका ने उस पर ध्यान दिया और वो अमेरिका के दायरे में शामिल हो गया। लेकिन कहीं वहाँ के नेताओं के दिमाग में एक बात चलती रही कि कभी अगर अमेरिका ने धोखा दे दिया तब हम क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि पाकिस्तान में चूंकि मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है तो इसलिए पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बने जो दुनिया भर के मुस्लिम देशों की अगुवाई करे। अच्छा, इसी बीच में आपने इस पे ध्यान दिया होगा कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो खास करके अरबियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे पेट्रो डॉलर का बूम आया, उनके पास तेल आ गया और वो तेल का निर्यात होने लगा और उससे बहुत सारे पैसे आने लगे। इन सब के बीच में पाकिस्तान ये लगातार कोशिश करता रहा कि इन सारे देशों को वो एक खेमे में ले आए। सैद्धांतिक तौर पर कई बार पाकिस्तान को लगा कि सारे देश एक खेमे में आ चुके हैं, लेकिन जब बाजार मुक्त हुआ तब सारे देशों के अपने अपने हित थे। तो सवाल ये उठा कि क्या इस्लामिक वर्ल्ड के साथ लोग जाएंगे। एक चीज मैं बता दूं कि इस्लामिक वर्ल्ड नाम की कोई संस्था गठित नहीं हुई, ये केवल एक बिना कागज के संस्था थी जिसको लेकर के सबके मन में ये था कि सारे इस्लामिक राष्ट्र जो है वो एक हो जाएंगे किसी मुद्दे पर। और पाकिस्तान ने जब परमाणु बम बनाया तब उस पर भरोसा उसको और ज़्यादा हो गया कि अब वो इस्लामिक वर्ल्ड का रहनुमा बन सकता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही बाजार मुक्त हुआ, अर्थव्यवस्था मुक्त हुई, वैसे ही सारे देशों के अपने अपने हित सामने आए। और यही कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि दुनिया के वो सारे मुस्लिम देश जिन पर पाकिस्तान को कभी भरोसा रहा होगा या जिन्होंने पाकिस्तान को इस्लामिक बम बनाने में मदद भी दी, पैसे की मदद दी, तकनीकी मदद तो नहीं दी लेकिन पैसे की मदद दी, तो वो सारे राष्ट्र जो है आज भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए ये इस्लामिक वर्ल्ड की बात जो आज इमरान खान कर रहे हैं या पाकिस्तान के दूसरे नेता कर रहे हैं, दरअसल ये हवा हवाई चीज है। इस्लामिक वर्ल्ड नाम की कोई चीज दुनिया में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती है। और अब देखिए शीत युद्ध जो है उसका सारा दायरा बदल चुका है। अब शीत युद्ध जो है वो रूस और अमेरिका के बीच नहीं है, अब ट्रेड वार चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में। तो जब शीत युद्ध ही नहीं रहा तो इस्लामिक वर्ल्ड का कंसेप्ट जो है वो कैसे जारी रह सकता है। तो इसलिए दुनिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे राष्ट्रों के अपने हित हैं। सारे राष्ट्र इस समय देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा बाजार है तो सबको बाजार नजर आ रहा है। तो इसलिए कोई धर्म के आधार पर पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है कि दूसरे राष्ट्रों को एकत्रित कर ले ये संभव नहीं है दोस्तों।